नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे अभी बात कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी में और ऑलरेडी जो डिस्कशन चल रहा था प्लेनर ग्राफ का प्लेनर ग्राफ क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कोई ग्राफ बना है उसको देख के पहचानना प्लेनर है नॉन प्लेनर है सारा डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं अब इस वीडियो से जो एजेंडा जो डिस्कशन हमें स्टार्ट करना है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्राफ प्लेनर है नॉन प्लेनर ग्राफ का कोई डिस्कशन नहीं वो आउट ऑफ मार्केट हो गए नॉन प्लेनर ग्राफ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होल्ड करता है जिसको हम बोलते हैं यूलर फार्मूला और ये फॉर्मूला इतना आसान है डायरेक्ट फॉरवर्ड है कि मैं देखता हूं बहुत सारे कॉम्पिटिव एग्जाम में किसी को भी अगर प्लेनरिटी के ऊपर सिंपल क्वेश्चन प्लेस करना है क्वेश्चन यहां से रख देते हैं वो गेट है नेट है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस फॉर्मूले की बात की जाती है फॉर्मूला क्या है अंडरस्टैंडिंग क्या है पहले डायरेक्टली समझाता हूँ सबसे आसान भाषा में फिर डेफिनेशन पर जाऊंगा ये देखिए पहले से दो ग्राफ मैंने बना के रखे हैं दोनों ही प्लेनर ग्राफ है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब पहले तो समझो रीजन यहां पे एक नया टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं एजेस आप जानते हो वर्ट सर्विसेज आप जानते हो तो ग्राफ के बारे में दो ही चीज हमने ऑब्जर्व की है एक तीसरी चीज और बताता हूँ जिसको बोलते हैं रीजन क्या होता है ना व्हाट इज द रीजन रीजन इज समथिंग लाइक दिस जहां पे जो भी एरिया एनक्लोज्ड है बिटवीन टू एजेस उसको हम रीजन बोलते हैं बिटवीन टू थ्री फोर फाइव कितनी वेजेस जैसे ये देखो ये एक इलाका फिक्सड हो गया है ना तो लेट मी से दिस इज रीजन नंबर वन किसी को कोई भी नंबर दो कोई दिक्कत नहीं ये प्लेनर है ये एक एरिया यहाँ पे फिक्स हो गया लेट मी से दिस इज रीजन नंबर टू दिस इज ऑल्सो वन एरिया जो एनक्लोज है दिस इज रीजन नंबर थ्री और ये तो एनक्लोज हुए एक आप मान सकते कि आउटर तो आमतौर पर इसको भी हम एक रीजन ट्रीट करते हैं लेटमी से दिस इज रीजन नंबर फोर या आगे बात करूंगा आ, इसको हम कभी कभी बोल देते हैं अनबाउंडेड तो यहाँ पर टोटल फोर रीजन है जिसमें हम बोल सकते हैं थ्री बाउंडेड है और एक अनबाउंडेड अच्छा ग्राफ में नंबर ऑफ रीजन कितने भी हों हमेशा एक अनबाउंडेड ही रहेगा जो आउटर वाला है वीडियो पॉज करो जरा बताओ इधर कितने रीजन है इसको रीजन बोल देते हैं इसको कभी कभी फेसिस बोल देते हैं कितने फेज हैं समथिंग लाइक दिस चलो जरा काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो इलेवन तो ये अंदर हुए और एक आउटर मान सकते हैं सो टोटल ट्वेल्व रीजन आर देयर सो ये कहानी है रीजन की अगेन मैं क्यों बोल रहा हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है जो यूलर ने हमें दिया वो यहां पर होल्ड करता है हमेशा वट इज द फॉर्मूला नंबर ऑफ रीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस माइनस वर्टेस प्लस टू इस बात के अच्छे खासे चांस है कि कहीं ना कहीं आपने फार्मूला देखा या सुना होगा तो ये कैसे काम करता है एक बार चेक कर लेते हैं जरा पहले ग्राफ पर देखें इस ग्राफ में मुझे बताओ नंबर ऑफ एजेस कितना है सो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सिक्स एजेस है माइनस नंबर ऑफ वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स तो चार ही है वेरी क्लियर एंड प्लस टू सो so, ऐसा जब मैं करूंगा सिक्स माइनस फोर इज टू टू प्लस टू इज इक्व टू फोर बिल्कुल मैच कर रहा है नंबर ऑफ रीजन चार ही है फोर ही है इस पर आपके लिए होमवर्क है आप चाहे तो ट्राई करके देख लो क्योंकि बहुत सारे वर्टेक्स और बहुत सारे एजेस हैं बट मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करके ट्राई करो और देखो यहां पर भी नंबर ऑफ रीजन जो है वो मैच कर रहे कि नहीं कर रहे ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है इसके डेरिवेशन वगैरह में ऑब्वियसली जाने की जरूरत नहीं दिस कैन भी प्रूव बाय इंडक्शन जो कि आप चाहो तो यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में हो सकता है इस पर बात करें बट इन जनरल इट इज नॉट इम्पॉर्ट कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट एक बात और आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला है हाँ सर ये प्लेनर ग्राफ पे काम करता है हाँ तो सर ये तो ट्रिक हो गई ना अपन एक काम करेंगे जो भी ग्राफ कोई हमें देगा हम उस पर फार्मूला अप्लाई करके देख लेंगे अगर फॉर्मूला काम किया तो ग्राफ प्लेनर काम नहीं किया तो नॉन प्लेनर मत करना कर भी नहीं सकते वो क्यों देखो जब हम रीज़न की या फेजिस की बात करते हैं ना तो सर वो डेफिनेशन एप्लीकेबल ही सिर्फ कहाँ पे है प्लेनर ग्राफ पे अगर ग्राफ नॉन प्लेनर है तो क्या वहाँ पे रीज़न कुछ हो सकता है मैं अगेन मान लीजिए K33 बना के दिखा देता हूँ जैसे हमने ऑब्जर्व किया था यहाँ पे आप रीजन डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि जब एजेस का क्रॉसओवर होगा तो क्लियर कट डिस्टिंगशन नहीं हो सकता तो जब रीजन की डेफिनेशन ही अप्लीकेबल नहीं है तो फिर फॉर्मूला कहाँ से लगाओगे समझ रहे हो? तो जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है सर फॉर ग्राफ uh, एक और बात हम कभी कभी ध्यान नहीं देते बट ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एप्लीकेबल तब है जब ग्राफ कनेक्टेड हो कनेक्टेड मतलब डेफिनेशन हम जानते हैं दो पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई एज होना चाहिए एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बिटवीन एवरी टू टू पेयर ऑफ वर्टेक्स देन द ग्राफ इज सेट बी कनेक्टेड अगर डिसकनेक्टेड हो लुक एट दिस ग्राफ अगर मैं यहाँ पे वर्डिस के कुछ नाम रख दूँ मान लीजिए दैट इज ए बी सी डी ई और एफ G, H एच एंड Now this दिस ग्राफ इज कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड this दिस इज disconnected ग्राफ क्या यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स formula आपने पढ़ा है? क्या वो formula यहाँ होल्ड करेगा नहीं करेगा फिर क्या करेगा तो लोगों को पता नहीं Now दिस इज अ मॉडिफाइड idea. दिस इज अ मॉडिफाइड idea जो होल्ड करता है कैसे करता है क्रॉस चेक करके देखता है जरा काउंट करके बताओ नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने? नंबर नंबर ऑफ ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू माइनस एजेस काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो नंबर ऑफ वर्टेक्स भी नाइन है भी नाइन कोई टेंशन नहीं प्लस नंबर ऑफ रीजन अब जरा आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन कितना होगा लेटमी से दिस इज रीजन नंबर वन रीजन नंबर टू रीजन नंबर थ्री और ये एक पूरा आउटर हो सकता है लेटमी से रीजन नंबर फोर तो नंबर ऑफ रीजन हो गए फोर माइनस के न वॉट इज के के इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो हम K का idea के का आइडिया लेके आते हैं तो यहाँ पर आप देखो मुझे बताओ कितने कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट तीन कंपोनेंट है ना तो यहाँ पर के की वैल्यू हो गई थ्री जरा चेक करो बताओ वैल्यू वन आ रहा है क्या आ रहा है ना सर नाइन से नाइन गया फोर माइनस थ्री इजिकल्स टू वन जी हाँ फॉर्मूला काम कर रहा है तो आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है आप एक और काम कर सकते हो अगर ग्राफ कनेक्टेड होगा एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला जहां से सब निकला है अगर ग्राफ कनेक्टेड होगा बताओ के का वैल्यू क्या हो जाएगा के का वैल्यू वन होगा रख के देखना वी माइनस ई प्लस आर माइनस वन इजिकल्स टू वन नंबर ऑफ रीजन कितना हो जाएगा इसको उधर लेके जाओ तो ई माइनस है प्लस हो जाएगा वर्टेक्स प्लस है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ एजेस माइनस वर्टेक्स प्लस टू अगेन यू लैंड ऑन द सेम आइडिया यस और कितनी बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं बता नहीं सकता हूं कितने क्वेश्चन ट्राई करें एक सिंपल क्वेश्चन करा देता हूं 2021 गेट में पूछा गया वन मार्क में इन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ ओके अनडायरेक्टेड बोल दिया कनेक्टेड बोल दिया प्लेनर बोल दिया मामला सेट कर दिया तो अब मैं इसको 100% अप्लाई कर सकता हूं एजेस माइनस वर्टेसिस प्लस टू देर आर एट वर्टेसिस थैंक यू सो मच इतनी बात समझ आई एंड आर फाइव यानी कि नंबर ऑफ रीजन ये मुझे बता दिया मैं बोल रहा था ना रीजन बोल दे प्लेनिंग फेजेस बोल दे एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं number of ages, number of पूछ रहा है अब इसमें क्या दिक्कत है बताइए ये कितना हो जाएगा नॉट दिस विल बी माइनस इधर जाएगा प्लस सिक्स नंबर ऑफ एजेस विल बी एलेवन सिंपल एज दैट तो इस तरह के बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई होप यूलर फार्मूला का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन दबाइए बिकॉज जैसे जल्दी से जल्दी टॉपिक आते जाएंगे आप तक वो पहुँच जाए ऐसा मेरे और मेरी पूरी टीम का प्रयास है थैंक यू सो मच दोस्तों अगर आप उसे सारा सिलेबस डेली थ्री आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर रेफरल कोड यूज करिए के जी वाई टी टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा